तो वहाँ से कनेक्ट है। मैं जानना चाहूँगा भैया, मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है? आपके पास है क्या फोन? जो लोग कनेक्ट हैं हाँ वो इधर देख लीजिए। हाँ आ रही है, आ रही है। जी भैया, सभी को नमस्कार। और आज हम खेती के संदर्भ में कुछ ऐसे मुद्दों को स्पष्ट करना चाहते हैं जो मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में हम लोगों के प्रयोग रूप में हमने समझा है। और यह एक बहुत ही उपयुक्त समय भी है जब पूरी दुनिया प्रकृति के विरोध में चलकर ठहर सी गई है। और ऐसे समय में हम खेती एक अभी का डिस्कनेक्शन की बात है करेक्ट होगा। अच्छा जी भैया, मैं दोबारा बात करता हूँ कि मेरी आवाज़ तो पहुँच रही है ठीक ठाक, और फिर मैं अपनी बात को सीधे तौर से शुरू करता हूँ। आज खेती के संदर्भ में हम उन सब कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जो मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में बहुत आसानी से हर व्यक्ति की समझ में आ सकते हैं। हर व्यक्ति आसानी से खेती कर सकता है, और खेती एक बहुत ही आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य कार्यक्रम है आदमी के जीने के लिए। जिस प्रकार शिक्षा की ज़रूरत है, इसी प्रकार शिक्षा का वह स्वरूप जो खेती में मनुष्य को समझना है उसके संदर्भ में आज का ये प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को रखते हुए मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज एक ऐसे समय में हम लोग दुनिया के सामने एक ऐसा विकल्प रखना चाहते हैं जिसके आधार पर एक उपेक्षित कृषि या प्रकृति के विरोध में चलता हुआ मानव जो ठहर सा गया है, और उस ऐसे संधि काल में जहाँ पर मनुष्य हर तरीके से अपने घर में बैठे हुए ये सोचने को मजबूर हुआ है कि हमको प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीना है, तो ऐसी स्थिति में खेती का स्वरूप क्या उभर कर आता है, इस स्वरूप के बारे में मैं आपको विधिवत बातचीत आपके सामने रखूँगा। आपको उस बात को पूरा जांचने का जानने का अधिकार है, और चूंकि ये प्रस्ताव है तो प्रस्ताव बहुत खुले मन से बातचीत करने का एक आधार होता है। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले तो मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और अभियान के उन सभी मनीषी विद्वान और प्रबोधकों को साधुवाद देना चाहता हूँ जिनके द्वारा हम लोगों को प्रेरणा मिलती रही, और पूज्य बाबा जी के प्रति तो उस अपार कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैं अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ आपके सामने रखूँगा। मुझे उम्मीद है कि अभियान के साथ जुड़े हुए जो युवा साथी हैं, जिन जो लोग समृद्धि का अनुभव करना चाहते हैं क्योंकि परिवार की आवश्यकताएं और समाज गति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से दुनिया ने पैसे का महत्व बहुत बड़ा कर दिया था, उस पैसे से अधिक भी समृद्धि के अनुभव की ज़रूरत है। समृद्धि की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति के लिए ये व्यवस्था प्रकृति में उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में मैं सहअस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि का प्रस्ताव आपके सामने रखने के लिए प्रस्तुत हुआ। अपने को पुनः सौभाग्यशाली मानते हुए मैंने जो खेती के जो प्रयोग किए हैं उन सभी में बराबर प्रेरणा पूज्य बाबा जी से मिलती रही, और उसको बीच समय समय पर जांचते रहे, और ये जांच की परखी बात से जो विश्वास बढ़ा उसके आधार पर मैंने जो खेती का स्वरूप देखा वो बहुत ही सुंदर है और सरल है। साथियों, खेती को ध्यान में रखते हुए हमको प्रकृति की उस व्यवस्था के मूल सूत्र को ध्यान में रखना जरूरी है। मूल सूत्र क्या है? मूल सूत्र से अस्तित्व है। सत्ता में संपर्क जड़ चेतन प्रकृति का वह रूप है जिसमें मानव अभी तक अपने को नहीं देख पाया है। यदि मानव ठीक तरीके से अपने चेतना को
अपने जी चेतना से मानव चेतना की तरफ यदि उसको ढंग से देख लेगा तो बहुत आसानी से खेती बहुत बड़ी बात नहीं है बल्कि एक सहज प्रक्रिया है। बात कुल इतनी सी है कि शास्त्रित मूल सूत्र के आधार पर प्रकृति की व्यवस्था जैसी है उसको वैसा समझना। मैंने इसको समझने के लिए एक छोटा सा घटनाक्रम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1976 से एक यात्रा शुरू हुई, पिताजी ने खेती के लिए कहा और नौकरी के लिए मना कर दिया। उस स्थिति में ये लगा कि खेती में अब शिक्षा का प्रयोग किया जाए और 1987 तक हमने खेती में आधुनिक खेती के प्रयोग किए। उन आधुनिक खेती के प्रयोगों में एक बहुत सरल सी बात सामने आई कि उत्पादन तो अवश्य बढ़ा, मशीन रसायन और पानी का एक खेल अनुसंधान केंद्रों के द्वारा जो सिफारिशें की गई उनके आधार पर हमने जितना भी प्रयोग अपनी खेती में किए उनसे उत्पादन बढ़ा लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। 4 वर्ष के बाद में उसका मूल्यांकन करने पर पता लगा कि ये खेल क्या है, तो उस खेल को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस समय उन बातों को हमने अनुसंधान केंद्रों के सामने भी रखा, कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे अन्य लोगों के सामने भी रखा और गांव के लोगों के सामने भी रखा, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतरती थी क्योंकि दुनिया एक आधुनिकवाद के एक बहुत बड़ी चकाचूर में फंसी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में फिर भी धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहे और 1987 से लेकर 1997 तक दुनिया में रासायनिक खेती से मुक्त होने के लिए धरती पर कोई किसी भी प्रकार के जहर का या किसी भी प्रकार के ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जिनके द्वारा प्रकृति को या मनुष्य के स्वास्थ्य को कोई नुकसान हो, उन सब चीज़ों पर ध्यान गया। ध्यान देने से पता लगा कि बहुत सरलता में ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अभी तक मानव जाति कृषि अनुसंधान के नाम पर जो भी कुछ चल रहा है वो केवल घटनाक्रम का वर्णन है, प्रकृति की व्यवस्था किस तरीके से काम करती है इसका कोई भी जिक्र नहीं है। इससे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो भी नए तरीके हम लोग तलाश कर रहे थे, जैसे देश में उस समय ग्राम स्वराज को लेकर कुछ लोगों ने खेती के कुछ प्रयोग किए, कुछ और भी अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने खेती में सूर्य के प्रकाश को लेकर, नक्षत्रों के ज्ञान को लेकर, बीजों को लेकर, पशु पक्षियों की भूमिका को लेकर, संगीत को लेकर, मंत्रणा को लेकर, यजुर्वेदी को लेकर ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए। उन प्रयोगों को भी हमने अपने खेतों में जांच कर देखा, उनसे ये पता लगा कि ये भी एक तरीके हैं और अलग अलग तरीके कई बार पूरी तरीके से सफल भी नहीं हैं। कहीं पर कोई तरीका कुछ ठीक दिखाई देता है लेकिन दूसरी जगह जाकर वही तरीका फिर असफल हो जाता है। तो फिर भी बराबर सवाल उठते रहे, लेकिन खेती कमजोर होते हुए भी हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ये साहस अपने अंदर बना रहा और इसी में आर्थिक नुकसान भी हुआ। लेकिन आर्थिक नुकसान इसलिए नहीं पीड़ा देता था कि धरती के साथ कुछ अच्छा काम करना है और अच्छा काम क्या होता है इसकी स्पष्टता नहीं थी। और इसी उधेड़बुन में 1997 में ये सूचना आने लगी थी और आदरणीय पूज्य बाबा जी के साथ मिलना हुआ। अंदर बहुत सारे सवालों के तूफान थे, अध्यात्म को लेकर भी सवाल थे और खेती को लेकर भी सवाल थे, क्योंकि मेरे लिए खेती उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा था और मैंने खेती से जुड़े हुए भी नाना प्रकार के व्यवसाय जो करने की कोशिश की, वो पशुपालन भी हो सकता है, बीज उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, इस तरीके के बहुत सारे काम किए, कपास से कपड़ा कैसे बन सकता है ये भी कुछ किया, लेकिन तृप्ति नहीं थी क्योंकि अंदर जो बात थी वो कहीं ना कहीं अपने पूरेपन की तलाश थी। बाबा जी के साथ मिलने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया।
क्षण मुझे आज भी याद है, उस कृतज्ञता को बार बार मैं अपने अंदर से अनुभव करते हुए आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि कितना बड़ा उपकार धरती के साथ हुआ और हम जैसे छोटी सी एक चीज जिसको मैं देखता हूँ कि मैं तो एक खेती करने वाला छोटा सा किसान था और वो भी किसान के जिसको लोग बहुत उपेक्षित भाव से देखते थे कि पढ़ा लिखा है और किस तरीके से ये उल्टे पुल्टे कामों में लगे रहते, लेकिन वास्तविकता में कितना कम है और किस प्रकार से अकेला व्यक्ति भी खड़ा रह सकता है सच्चाई के साथ, इस ताकत को मैंने अनुभव किया। और उन सब परिस्थितियों में जहां पर परिवार का भी संकट, समाज का भी संकट और पूरी दुनिया की तस्वीर सामने आती है तो मन में सिहरन उठ जाती है। ये मुद्दा संवेदना का नहीं है लेकिन संज्ञान्यता की भूख का तो जरूर है। ये भूख तो हर व्यक्ति के अंदर है लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी अनुकूलता के आधार पर यदि सवालों के उत्तर खोजते हैं तो उत्तर नहीं मिलते हैं और मनमानी उठ जाती है। मैं यहाँ आज सभी के सामने एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आधुनिकवाद में जो तर्क बढ़ा है उसके आधार पर जो हम अपनी अनुकूलता से उत्तर तलाशते हैं, ऐसी चूक हमसे ना हो और हम सहस्तित्व मूल सूत्र को उस बारीकी के साथ देखें और अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें। और वो क्षण मुझे आज याद है कि जब खेती की बात करते हुए बाबा जी के साथ एक उत्साह अंदर से बना और प्रयोग में भी व्यक्ति प्रमाणित हो सकता है और प्रयोग प्रमाण भी मनुष्य के लिए एक मौलिक जरूरत है, ये गहरी बात अपने मन में बैठी। क्योंकि मैं हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा वहीं से शुरू करता है जहाँ से वो जीता है। मैं किसान था तो मैंने किसान से किसान के स्तर पर प्रयोग किए और मुझे किसान के स्तर पर प्रयोग करने और भी आसान लगे। क्योंकि खेती में पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था अर्थात मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी के साथ साथ कोई पेड़ पौधा और कोई भी पशु पक्षी मनमानी नहीं करता, तो मुझे कम से कम ऐसे चीज़ों के साथ काम करने का मौका मिला जहाँ पर मैं उनको जैसा छोड़कर आता था सवेरे को मुझे जाने पर मुझे वो वैसा ही मिलते थे। ये बड़ा विश्वास हुआ क्योंकि आदमी के साथ काम करना और इनके साथ काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा कि इधर इधर एकांतवास में गहरा सोचने का मन बना, परिवार ने इसमें सहयोग दिया और इन्हीं सभी गतिविधियों के साथ साथ में मैं आप लोगों से एक निवेदन ये चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा और आज खेती के बारे में मैं मूल सूत्र, चार पांच मूल सूत्र हैं, कुछ प्रक्रिया हैं, उन पर चर्चा करूंगा। पहला मूल सूत्र है प्रकृति का स्वरूप ही सहस्तित्व है। सहस्तित्व को यदि हम देखते हैं तो वो जल प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में है। नियम क्या है? इकाई को देखता हूं तो वो अपने आचरण में है और वो आचरण पहचान में आता है, वही आचरण नियम के रूप में पहचान में आता है। और जब मैं उसी आचरण को बार बार उस इकाई के अंदर देखता हूँ तो वही मुझे फिर परंपरा के रूप में, नियंत्रण के रूप में स्पष्ट होता है। और ये नियंत्रण स्पष्ट होने से मुझे प्रकृति की हर इकाई में जो व्यवस्था है और वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी है उसकी, तो उस भागीदारी का स्वरूप क्या है वो पूरकता उपयोगिता में संतुलन के रूप में स्पष्ट होता है। एक छोटी सी एक लाइन ने अपने मन को झकझोर दिया और प्रकृति में अनेक चीजें पैदा हो सकती हैं, फिर हम एक फसल क्यों लगा रहे हैं, ये तो प्रकृति के साथ विरोध है। और विरोध के ताने बाने खुलने लगे। प्रकृति में खरपतवार उगते हैं, प्रकृति खरपतवारों को जो उगाती है वो अपनी उर्वरता के लिए उगाती है, मौसम के अनुकूल उगाती है, तो फिर हम बेमौसम फसलों को क्यों पैदा करना चाहते हैं, खरपतवारों को क्यों मारना चाहते हैं, कीड़े मकोड़ों के पीछे हम कीटनाशकों की जैसी जहरीली दवाई का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक सवाल नहीं, अनेकों सवाल मन में ऐसे उभरने लगे। और एक बड़ा सवाल तो ये उभर कर आया कि इतनी विराट धरती के लिए कितने कंपोस्ट की जरूरत होगी, कितने खाद की जरूरत होगी, क्या ये खाद बनाने का काम मनुष्य का है या ये खाद बनाने का काम धरती का है। तो पता लगा कि खाद बनाने का काम तो धरती का है। धरती को यदि भोजन मिलेगा तो पाचन विधि से अपना
वो तंत्र स्थापित करती है। उर्वरता का नियम धरती का अपना नियम है। तो सहस्तित्व में विरोध कहीं भी नहीं है, तुलना कहीं भी नहीं है, हर इकाई की निश्चित भूमिका है, उसका निश्चित आचरण है, और वह पूरकता उपयोगिता समृद्धि के रूप में आवर्तनशीलता को प्रमाणित करता है। ये बात स्पष्ट होते होते हमने अपने फसलों अपने मन में तय कर लिया कि अब अपने खेतों में अनेक फसल लगाएंगे। अनेक फसल लगाएंगे ये बड़ा एक झंझट का विषय था, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, छोटे मोटे डिजाइन दुनिया में चल रहे थे। हमारी पुरातन पद्धतियों को भी हम देखते हैं तो पुरातन समय में भी हमारे बुजुर्ग अनेक फसलों को साथ साथ लगाते थे, लेकिन वो परिवार के लिए जरूरतें थी। हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पैदा करते हुए परिवार के लिए भोजन तैयार कर लिया, ये बात अलग थी, लेकिन खेती में एक सम्मानजनक तरीके से पैसा की कमाई हो और उतना पैसा खेती से आ जाए जिसमें मैं समाज के साथ इस आधुनिकवादी जीवन शैली की गति में, समाज गति के साथ में जी सकूँ, ये बहुत ज़रूरी बात थी। तो ऐसी स्थिति में अधिकतम पैसा भी कैसे आ जाए, ये भी सवाल मन में कहीं कहीं उभरता था, लेकिन पैसे से तृप्ति नहीं होगी ये भी बार बार उभरती, तृप्ति तो वस्तु के साथ ही है। तो ऐसी स्थिति में फसल प्रणाली को किस तरीके से अनेकता में लगाया जाए, इसके लिए प्रकृति की विविधता को समझने का अवसर मिला, और विविधता को समझने से ये स्पष्ट हुआ कि विविधता अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी जैसी उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य का प्रयास है। अर्थात मुझे जो खेती करनी है तो मुझे तो उसमें उन चीज़ों को पैदा करना है जिनके द्वारा मैं अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बना सकूं और परिवार के लिए भोजन भी मिल जाए, और जो एक शुद्ध भोजन मैं दूसरों को देकर उतना धन अर्जन भी कर सकूं जिससे मैं समाज गति के साथ सम्मानपूर्वक जी सकूं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब इन फसलों को कैसे लगाया जाए, तो फसलों के बारे में जानने से पता लगा कि फसल अपने बीज सूत्र में काम करती है। क्योंकि आचरण जब नियम के रूप में, परंपरा में, नियंत्रण के रूप में दिखता है तो हर इकाई का एक आकार, एकायतन स्पष्ट होने लगता है, और इसी को तीसरे सूत्र के रूप में देखा गया कि ये घनाकार है। घनाकार अर्थात आकार आयतन को देखना, किसके अर्थ में देखना, व्यवस्था के अर्थ में देखना, कि संपूर्ण प्रकृति ने अपनी सतह पर, ये धरती के प्रति इतना सम्मान जाता है कि धरती ने अपनी सतह पर किस तरीके से एक निश्चित आकार में वातावरण सजाया हुआ है जिसमें सभी क्रियाएं ताप, दाब, नमी संतुलन के रूप में है, सभी जीव जानवर मस्ती से जी सकते हैं, मनुष्य भी जी सकता है, और सभी उसमें सभी की जीने के लिए अनुकूल वातावरण उसके अंदर बना हुआ है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। इस प्रकृति की व्यवस्था को समझने से पता लगा कि जमीन को जो मैं अभी तक देखता रहा वो क्षेत्रफल में देखता रहा, अर्थात लंबाई और चौड़ाई में मुझे जमीन दिखती थी, लेकिन पता लगा कि जमीन तो लंबाई चौड़ाई में नहीं बल्कि जमीन का जो आकार आयतन है वो तो घनत्व में है, अर्थात सतह से 40-50 फुट तक भी पौधे आसानी से उत्पादन देते हैं। तो तब क्या किया है, फिर इसको लागू किया है, अर्थात मेरे पास तो बहुत जमीन है, मैं तो एक एकड़ को अभी 4000 वर्ग मीटर में देखता था, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि मैं 20-25 मीटर तक भी अपने खेतों में फसलों को उगा सकता हूँ, ऐसे पौधे जो काफ़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं उनको भी मैं, उनकी भी मैं खेती कर सकता हूँ, तब एक विश्वास खड़ा हुआ। इसका मतलब अपनी जमीन के फसलों के द्वारा अपनी जमीन को घनत्व में सजाना। इसको हमने सरल भाषा में कहा कि ये मल्टी क्रॉपिंग भी है और मल्टी लेयर भी है, एक पूरा पूरा पैटर्न है, एक तरीका है। इसको लागू करने में कुछ सवाल और भी उठने लगे, किस पौधे को कितनी दूर लगाया जाए, क्योंकि अभी तक हम लोगों को क्या अभ्यास है कि हमने धरती को बंटवारे के रूप में देखा है, बागवानी एक तरफ होगी, जंगल एक तरफ होंगे, खेत एक तरफ होगी, और इस तरीके से हम लोग
प्रकृति की अवस्था के विरोध में चलते 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 और सिकुड़ कर एक कोने पर आ गए और हमने प्रकृति पर भी एक बड़ा प्रहार कर दिया। लेकिन सहस्तित्व के रूप में देखने से पता लगा कि हर जगह हर चीज हो सकती है, फिर जंगल अलग क्यों? फिर जो हम एक तरीके से अधिग्रहण की भाषा में जो बात करते हैं कि ये टुकड़ा मेरा और ये टुकड़ा तेरा, ये तो अपने आप में धरती सजने लगेगी और बहुत विराट जगह है, मनुष्य की आवश्यकताओं से बहुत ज़्यादा जगह है ये धरती। तो जितने जगह में भी हम काम करते हैं अपनी उपयोगी फसलों को उगाए जाने के लिए, हम घनत्व को जरूर समझें। उत्पादन यदि हमें मात्रा में बढ़ाना है तो मात्रा कभी भी एक फसल की मात्रा बढ़ाने में हमको बीज को भी आवश्यक करना होगा, लागत को भी आवश्यक करना होगा, ये नुकसान की चीजें हैं। इस संदर्भ में चौथा जो सूत्र है वो नैसर्गिक संतुलन की बात है। नैसर्गिक संतुलन का मतलब है कि किसी भी खास क्षेत्र में वर्षा का होना एक मान के रूप में रहता है, हवा की गति नमी मान के रूप में रहती है, मौसम का बदलता है, मौसम बदलता है, गर्मी सर्दी आती है, तो एक जो मान है, जो मानक है उस क्षेत्र का, उस मानक के आधार पर ही वहाँ की जलवायु है, वहाँ का वातावरण है, वहाँ की फसलें हैं, वहाँ के जीव जानवरों के शरीर हैं, उनका भोजन है और उनके स्वस्थ रहने की व्यवस्था है। इसको लोकल फूड चेन के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन ये केवल छोटी सी बात लोकल फूड चेन नहीं है, ये इकोलॉजिकल सिस्टम है, एक नैसर्गिक संतुलन है जिसके आधार पर हम बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैंने चार बात मोटे रूप में रखी कि सहस्तित्व मूल सूत्र के रूप में, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के रूप में प्रभावी है, उसी के आधार पर मनुष्य यदि समझ कर आगे बढ़ता है तो वो धरती की विविधता को समझे और विविधता के आधार पर अपनी उपयोगी आवश्यकताओं के बनाने के लिए, पैदा करने के लिए उत्पादन प्रणाली को ठीक ढंग से लागू करें, जिसके लिए प्रकृति के घनत्व को समझें और नैसर्गिक संतुलन को समझें। इन बातों को समझने के लिए एक बात बहुत आगे बढ़कर आती है, वह है दूरी का नियम। दूरी का नियम क्या है? दूरी का नियम है कि एक इकाई दूसरी इकाई के साथ कैसे काम करती है, उसका प्रभाव क्षेत्र का क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, और उनके दोनों के बीच में निश्चित दूरी के लिए, तो सत्ता में संपर्क होने का जो सहस्तित्व का मूल सूत्र है वो यहाँ पर बहुत आसानी से समझ में आता है कि इकाई के आकार से ज्यादा उसका प्रभाव क्षेत्र है और वह सत्ता में डूबी है, सत्ता में है, उसके होनेपन से अधिक उसके लिए फैलाव के लिए, उसके विस्तार के लिए एक नियंत्रण जो है वो स्वतंत्रता के रूप में उपलब्ध है। तो इस आधार से पता लगता है कि जो जो इकाई है वो एक इकाई दूसरी इकाई के साथ जो भी क्रिया करती है उसके प्रभाव क्षेत्र बने रहते हैं, लेकिन हस्तक्षेप ना हो। यहाँ हस्तक्षेप को समझना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी इकाई का हस्तक्षेप होता है, दूसरी इकाई का दूसरी इकाई पर प्रभाव आता है और प्रभाव प्रहार में बदल जाता है, तो इकाइयाँ उनका उत्पादन क्षमता और उनके उनके रहने और होने का जो क्रम है वो टूटता है। उसी को हम लोग कीड़े बीमारियों के रूप में भी, उत्पादन गिरने के रूप में भी, हमने बागों के रूप में इसको भी समझा, फसलों के रूप में भी समझा। तो फिर दूरी के नियम को कैसे समझें? तो दूरी के नियम को समझने के लिए बहुत सहज रूप में पता लगा कि दूरी एक निश्चित नियम है, व्यवस्था है। व्यवस्था के अर्थ में हर इकाई अपने आचरण पूर्वक दूसरी इकाई के साथ अपनी भागीदारी को स्वीकारती है, इसी को संबंध के रूप में भी देखा जाता है। तो व्यवस्था के अर्थ में इकाइयों में जो संबंध की पहचान है एक निश्चित दूरी है, इसमें किसी भी इकाई का विस्तार प्रभावित ना हो। अब हस्तक्षेप को ध्यान में देते हैं तो ये कई बार पेड़ पौधों के साथ भी दिखता है कि छोटे पौधे कौन पौधा किस पौधे के लिए कितना सहयोगी है और बड़े पौधे भी किस आकार में जाकर सहयोगी होंगे और किस तरीके से वो जमीन की उर्वरता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। उसके आधार पर जैसे दो उदाहरण मैं देता हूँ कि बरगद का पौधा भी है, आम का पौधा है। आम का पौधा भी बहुत बड़े आकार में चला जाता है, बरगद का पौधा भी और बड़े आकार में चला जाता है, लेकिन बरगद का जो
जो हस्तक्षेप है वो प्रकृति की उर्वरता के लिए सामान्य रूप से जो काम करता है वह अपने नीचे किसी भी वनस्पति को उगने नहीं देता, क्योंकि वह बार बार बहुत सारा भोजन लेता है, कई बार फल आते हैं, जीव जानवर उसके पास आते हैं, जानवरों को नीचे रुकने के लिए भी जगह है और ऊपर भी जो पक्षी आते हैं उनकी विष्ठा भी गिरती है, तो वहाँ से जमीन उर्वरक होती रहती है और वह उर्वरता बरसात में पानी के द्वारा बाहर में फैलती रहती है। वहाँ पर जो रासायनिक संरचना को समृद्ध करने का जो सूत्र है वह जीव जानवरों और पशु पक्षियों के द्वारा। इसी क्रम में यदि मैं आम को देखता हूँ तो आम के पेड़ के नीचे काफी झाड़ पैदा होते हैं और भी बहुत सारी घास पैदा होती है, झाड़ियाँ पैदा होती हैं। इसका मतलब जो हस्तक्षेप है उर्वरता के लिए वो इस पौधे ने दूसरे पौधों को भी स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें एक बार फल आता है और एक ही बार पक्षी आते हैं, इसके बाद में पक्षी आम के पौधे पर नहीं आता। तो इस कारण से ये देखने में पता लगा कि हर पौधे के आचरण को भी हमको समझना है, वो पौधे की जड़ की बनावट कैसी है, ऊपर का स्तर कैसा है, और चूंकि प्राण कोशिका का जो काम करने का तरीका है वो ठोस तरल और विरल रूप में काम करती है, इसलिए मानव जाति को यह भी समझना होगा कि भोजन ग्रहण करने के रूप में भोजन केवल ठोस नहीं है, भोजन पानी भी है और भोजन हवा भी है। हम भी अपने ऊपर भी इसको लागू करके देख सकते हैं कि अभी हम सांस ज़्यादा लेते हैं, पानी उससे कम पीते हैं और भोजन सबसे कम लेते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में भोजन ज़्यादा रहता है। भोजन के रूप में हम केवल ठोस को ही पहचान पाते हैं, भोजन तरल के द्वारा भी और विरल के द्वारा भी, जबकि प्राण कोशिका का भोजन ग्रहण करने का नियम विरल अवस्था जाता है। इसलिए पौधा जमीन के अंदर जड़ों के द्वारा अलग ढंग से काम करता है और पौधा जमीन की सतह से ऊपर अलग ढंग से काम करता है। तापदाब नमी की क्रिया अलग ऊपर अलग ढंग की है और नीचे अलग ढंग की है। अलग नीचे एक मध्यकाल है, एक मध्यस्थ है, उसका होनापन हमेशा बना रहता है और ऊपर जो है वो विविधता है, उसमें विविधीकरण है, उसमें परिवर्तनशीलता बहुत तेजी से बदलाव देखता है, मौसम बदलता है, बरसात में बदलाव आता है, तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। तो एक ही पौधे में दोनों हिस्सों में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। इन सब विज्ञान को समझने के बाद में दूरी के नियम से ये स्पष्ट हुआ कि मुझे यदि अपने खेत में 9, 10, 12, 15, 20 फसलें लगानी हैं तो उनके लिए मुझे दूरी को समझना बहुत जरूरी है। दूरी एक तरंग विधि से समझ में आती है। इसके लिए मैं छोटा सा एक मदद लेना चाहूँगा, यदि आपको स्पष्ट हो जाए तो जैसे ये धरती की बनावट है, तो धरती पर एक पौधा यदि अपनी ऊंचाई को यहाँ लेता है और इसके इसके विस्तार को हम देखते हैं तो इसका विस्तार इतना है। तो अभी तक आम भाषा में देखा गया कि जब भी हम किसी से दूरी के बारे में बात करते हैं तो बड़े पौधों के बारे में बताया जाता है कि दूसरे पौधे को इतनी दूरी पर लगाया जाए ताकि वो आपस में ना टकराए। बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी विचारने की है कि जब ये पौधा 40 वर्ष के बाद 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बाद अधिक उत्पादन देने के लिए मेरे खेत में होगा तो उस समय फिर ये मोनो सिस्टम एकल फसल प्रणाली लागू हो जाएगी। तो मैं तो वहीं पर पहुंच गया, प्रकृति के विरोध में पहुंच गया, तो अब क्या किया जाए? इसके लिए तरीका यह है कि अब हम इस पौधे को कहां लगाना है, इसके लिए एक तरंग को देखना है। आवर्तनशीलता एक तरंग के रूप में हमको दिखती है, तो इसके यहां से हम इस पौधे का एक तरंग बनाते और ये तरंग जमीन के अंदर से ऐसे कट के ऊपर जाता। तो इस क्रम से जो तरंग यहाँ है वो तरंग कुछ दूरी के बाद यहाँ पर बनना शुरू होता है। इसका मोटा सा हिसाब है कि यदि किसी पौधे का पूरा फैलाव जितना है उतनी जगह और छोड़ दी जाए, उसके बाद में उस पौधे को लगाया जाए। इस प्रकार हम एक ही खेत में बागवानी, वानिकी, जड़ी बूटियों की खेती, मसालों की खेती, अनाज की खेती और अन्य प्रकार की खेती साथ साथ कर सकते हैं। चूंकि बड़े पौधों के साथ बहुत सारी जो जड़ी बूटियां हैं वो बड़े पौधों के साथ ही होती है। कुछ पौधे हैं जो जिनका हस्तक्षेप विस्तार के रूप में ज्यादा नहीं होता और ऊंचे चले जाते हैं, तो
तो इस प्रकार से दूरी के नियम को समझना, और जब इस बात को हमने अनुसंधान केंद्रों के साथ में रखा और कई विश्वविद्यालयों में इस बात की चर्चा हुई, तो उन्होंने वास्तव में इस बात को कहा कि अभी तक मानव जाति ने दूरी के गणित की बात की है, दूरी के ज्ञान की बात नहीं की है। हम मध्यस्थ दर्शन के आधार पर मनुष्य की उस चेतना में गुणात्मक परिवर्तन की बात सोच रहे हैं, और वही हम लोगों का साझा अभियान है कि जब तक मनुष्य हर प्रकृति की हर वास्तविकता को अपनी जिम्मेदारी पर ठीक ढंग से नहीं देखेगा, वह कोई भी काम करने में सफलता को नहीं पाएगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति का आधार है प्रकृति की व्यवस्था जैसी है उसको वैसा समझें। इसके आधार पर दूसरी क्रिया यह है कि हम समय को भी देखें। समय के आधार पर क्या है, यदि हम फसलों को समय पर लगाते हैं तो समय पर लगाने से पता लगा कि खरपतवारों का जो दबाव फसलों पर आता है वह नियंत्रित होता है, कीड़े मकोड़े जो या बीमारियां जो फसलों को आती हैं वो नियंत्रित होते हैं। तो बेमौसम फसलों को लगाना, अगेती पछेती फसलों को लगाना, और हमने इस तरीके के बीजों का बंटवारा कर दिया, इस प्रकार से पता लगा कि खेती को मनमानी के तरीके से करने से हम प्रकृति के विरोध में चले गए और खेती लागत के चक्कर में फंस गए। मैं अंत में आपको उधर ही बताना चाहता हूँ कि समीक्षा का मूल मुद्दा जो है कि यदि खेती को हम पूरे तरीके से देखेंगे तो खेती प्रकृति की व्यवस्था को समझना है और उसके साथ जीना है। जीने के लिए हमारे पास समझदारी और श्रम दोनों पूंजी मनुष्य के पास है, इसमें लागत की कोई आवश्यकता आती नहीं, लेकिन अभी तक जो खेती बताई गई है उसमें केवल और केवल लागत की बात होती है, तकनीकी और विज्ञान की बात होती है। इस आधार पर खेती का जो बहुत बड़ा संकट है उससे पार पाने का सहज तरीका यह है कि सहस्तमूलक विधि से हम प्रकृति की आवर्तनशीलता को समझ लें, जिसमें समझदार की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता भी बहुत कम है, और बहुत थोड़े से समय में बहुत अधिक उत्पादन है, और बाकी जो लागत की बात है वो लागत इसमें नहीं होती। तो समय को समझने से कीड़े बीमारियां लगना, खरपतवारों के प्रति दबाव होना, बेमौसम पैदा होने में कुपोषण की बीमारी भी आती है। यदि किसी फसल की अवधि 130 दिन में पकने की है, हम उसको 90 दिन देते हैं, तो 90 दिन देने में उसका वह कुपोषित होती है, उसकी पोषण क्रिया परिपक्व नहीं होती। इस प्रकार से बीज सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम जो स्थानीय फसलें हैं उनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और बीज का काम भी साथ साथ कर सकते हैं, बीज के लिए भी बाजार पर निर्भरता की जरूरत नहीं है। तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वह है श्रम का नियोजन। प्रकृति में जब हम देखते हैं तो बार बार खेती के नाम पर तो लोग इस बात को बिल्कुल दोहराते हैं कि खेती में बहुत मेहनत होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि खेती की पूंजी समझ है, श्रम बहुत कम है। क्यों कम है कि एक बीज को लगाने के बाद, मैं एक गन्ने की फसल का उदाहरण देता हूं, एक बार एक बीज को सही समय पर लगाइए, वह बीज पहले वर्ष में आपको 15-20 किलो वजन तक दे देगा, दूसरे साल में 30-40 किलो तक भी दे देगा, और यदि परिस्थिति बहुत ठीक रहती है तो 70-80 किलो वजन भी दे देगा। अब मैं पूछना चाहता हूं आदमी से कि यदि सही समय पर लगाने से एक गांठ को लगाने में कितना श्रम लगेगा, और एक वर्ष तक फिर मनुष्य ने उसके साथ किया क्या है? बहुत छोटे मोटे काम है, कभी आवश्यकता बनी तो सिंचाई की, और सिंचाई की आवश्यकता को भी ध्यान रखने के लिए यदि हम उसके साथ में जमीन का आच्छादन दे देते हैं और जमीन को ठीक ढंग से व्यवस्थित कर लेते हैं तो ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है। तो मोटे तौर पर आज की चर्चा में कुछ सवाल आपके मन में जरूर उठेंगे, और उन सवालों को पूछने के लिए भी हम लोग फोन पे अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा इशारा जो है वो मैं चूंकि आदमी से बात करना और टेलीफोन के सामने बात करना बड़ा मुझे बड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात आप तक पूरी चली जाए। इस संदर्भ में मैं एक बात आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि मूल सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमने सहस्तित्व को देखा, विविधता को देखा, घनाकार को देखा,
नैसर्गिक संतुलन को देखा, हमने समय को देखा, दूरी को देखा, और उसके साथ साथ में हम श्रम को भी, श्रम के नियोजन को भी समझ लें। मनुष्य श्रम पूंजी है, यदि श्रम का नियोजन नहीं करेगा तो श्रम का मूल्यांकन भी नहीं होगा और श्रम का विनिमय भी नहीं होगा, और हम चाहे बात कितनी बड़ी करते रहें लेकिन कभी भी संबंध पूर्वक वस्तु का लेन देन एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उचित फसल प्रणाली बनाकर हम किस तरीके से खेती को इस व्यापार से मुक्त करें, आदमी की जो जीव चेतना के आधार पर जो मनुष्य ने प्रकृति का शोषण किया है और प्रकृति के विरोध में जो मनुष्य चला है, उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप यदि इसकी समीक्षा करेंगे तो बहुत छोटे से में आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि लागत के जाल में कैसे खेती फंसी है और किस तरीके से खेती के नाम पर बहुत सारे तरीके हैं जिनमें हम फंसते हैं। सब अपने अपने दावा करते हैं लेकिन प्रकृति पर किसी का दावा नहीं चलता। प्रकृति अपनी व्यवस्था के साथ है, उसकी व्यवस्था स्वयं स्फूर्त है। हम लागत के जाल से बाहर निकलें, खेती को व्यापार से मुक्त करें और व्यवसायिक प्रवृत्ति के साथ खेती की तरफ बढ़ेंगे तो खेती आदमी को मालामाल कर देगी, समृद्ध कर देगी, ये मेरा विश्वास है। इस आधार पर मैं छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ कि लागत देखते हैं तो लागत एक जुताई है, सिंचाई है, खाद है, बीज है, दवाई है, इसके साथ साथ में उत्पादन हमारे हाथ में आता है तो उत्पादन की बिक्री है, फिर उसकी कीमत तय होती है, उसका प्रशोधन होता है, प्रोसेसिंग, और उसके बाद में फिर उसका वितरण होता है। मैं इस संदर्भ में आपको छोटी सी घटना बताना चाहता हूं कि जुताई के लिए हमने एक ट्रैक्टर खरीदा। इस ट्रैक्टर के लिए बाजार से खेती के संदर्भ में इस बात को आप जरूर देख लें, सिंचाई कहां से? बाजार से। तो जुताई किसने की? बाजार में। सिंचाई किसने की? बाजार में। खाद कहां से लेकर आए? बाजार से। बीज कहां से लेकर आए? बाजार से। दवाई कहां से लेकर आए? बाजार से। उत्पादन की बिक्री के लिए कहां गए? बाजार में। कीमत किसने लगाई? बाजार में। प्रशोधन किसने किया? बाजार में। वितरण किसने किया? बाजार में। आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार की खेती की दुर्दशा आधुनिक खेती के नाम पर होगी। इसमें से कौन सा समाधान हम निकाल सकते हैं? ये पूरा का पूरा एक मानसिकता है जो लाभोन्माद मानसिकता है, और वो कितना लाभ चाहिए, कितना शोषण किसका करना है, इसमें हमेशा उत्पादक के लिए शोषण का अवसर हर व्यक्ति को मिलता है। तो उत्पादक का शोषण हुआ है, इसका मूल कारण है कि हमने व्यापार को व्यापार की दृष्टि से खेती की। ऐसी खेती में मुझको ये स्पष्ट हुआ कि खेती में आमदनी कम नहीं है, उत्पादन कम नहीं है, खेती बाजार के चुंगल में फंसी है और किसान बाजार की कठपुतली बनकर रह गया है। यदि हम किसी भी प्रकार की लागत, चाहे लागत जैविक खेती के नाम से हो, चाहे ये प्राकृतिक खेती के नाम से हो, चाहे ये आधुनिक खेती के नाम से, देखिए ध्यान से सुन लेंगे कि लागत चाहे प्राकृतिक खेती है, चाहे आधुनिक खेती है, चाहे वो जैविक खेती है, यदि लागत की बात हम करते हैं तो व्यापार तक ही जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में लागत की जरूरत नहीं है। समझदार से श्रम का नियोजन करना है, बहुत सरल सूत्र है, समझ से समाधान, श्रम से संबंध। इस आधार पर इस जाल से कैसे तोड़ें, तो ये इस जाल से टूटने का एक सूत्र हाथ लगता है जो आपके अंदर विश्वास पैदा करेगा, मेरे अंदर भी विश्वास पैदा होगा। क्या? कि प्रकृति में एक दाना हजार दाना पैदा करता है। फिर किसान गरीब क्यों है? खेती में आमदनी कम क्यों है? खेती एक एकड़ जमीन 10-12 फसल यदि हम निकालते हैं तो आसानी से एक बड़ी रकम हाथ में लगती है, मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं।
कि उसमें 3-4 लाख से लेकर 6-7 लाख भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। बिना समझे हुए आपका श्रम भी ज्यादा हो जाएगा, बिना समझे हुए आप खेती प्रकृति के विरोध में कुछ कर बैठेंगे, उत्पादन गिर जाएगा। आपको उत्पादन से लेकर विनिमय तक का यदि सूत्र भी हाथ में नहीं है, तो उन सब बातों को लेकर मैंने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा उसकी छोटी सी भूमिका यही है कि खेती उत्पादन कार्य केवल नहीं है, उत्पादन है, उत्पादन का उत्पादन भी उपयोगी उत्पादन है, और उस उत्पादन को प्रकृति की व्यवस्था को समझकर लागू करना, उस प्रक्रिया को लागू करना। उसी के साथ साथ में दूसरी बात है कि जिसके आधार पर हम उसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए देश के क्या प्रमाणीकरण है, देश के लिए क्या, उसके लिए क्या मानकीकरण है, किस प्रकार की हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वो एक सुंदर कार्यक्रम इसके साथ साथ जाता है। और इसी के साथ साथ में आगे हम एक परिवार मूलक विधि से एक विनिमय व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, और जो बहुत आसान है, जिसके लिए किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं, किसके लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी धरती में हर परिवार शुद्ध भोजन सही कीमत पर लेना चाहता है। तो सभी को शुद्ध भोजन मिल जाए, सही समय पर मिल जाए, तो ऐसे समय में हम लोग एक जगह एकत्रित हुए, और समय भी लगभग काफ़ी हो गया है, मेरी बात बहुत सारी रह गई है, बहुत मैं नहीं स्पष्ट कर पाया, चूँकि इस तरीके का बोलने का अभ्यास नहीं है, संवाद करने का अभ्यास है। कभी मौका मिलेगा तो फिर हम साथ साथ बैठेंगे, लेकिन आज मैंने बस केवल इस विश्वास को आपके अंदर जागृत करने की बात कही है कि आज धरती पर मानव जाति अपने कुचक्र में फंसी है, इस कुचक्र से बाहर निकलने का विकल्प केवल और केवल सहस्तित्व सूत्र रूप में दर्शन की गहराइयों को छूते हुए अपनी जिंदगी को आचरण पूर्वक हम प्रस्तुत कर दें। यदि आचरण के साथ से आप जैसे जो नौजवान साथी जो खेती करना चाहते हैं वो लोग मेरी बात को सुन रहे हों, तो जरूर निवेदन है उनसे कि वो एक बार आकर इस बात को पूरी तरीके से समझ लें। खेती समझने के बाद में इतना सुंदर कार्यक्रम है, और यदि ये प्रमाण हमने धरती के सामने आज इस मानव जाति के सामने रख दिया, तो विकल्प की तलाश में भूखी मानव जाति एक सही विकल्प को पाकर तृप्त होगी, समाधान की दिशा में लोग बढ़ेंगे, क्योंकि एक छोटे से वायरस के द्वारा सारी धरती थम सी गई है, हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर है। इस मध्यकाल में हम लोगों ने इस प्रस्तावना को आगे बढ़ाया है, और मैं भाई राकेश गुप्ता जी के साथ में और जैन साहब से बात जी बीच बीच में होती रही, और मैं जितने भी प्रबोधकों के द्वारा प्रेरित हुआ, मैं सभी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ इस बात को लेकर कि खेती के द्वारा जो प्रयोग हुए इनको किस तरीके से आज आधुनिक खेती के लोग भी स्वीकार रहे हैं, किस प्रकार से इस बात को बहुत मैं ही कहूँगा कि जो बहुत तार्किक लोग थे वो भी प्रयोग की महिमा को समझने लगे हैं। तो हमारे पास में एक अवसर है, अवसर ये है कि जितनी ताकत हमारी शिक्षा के क्षेत्र में लग रही है, कुछ नौजवान गहराई से कृषि क्षेत्र में भी इस ताकत को लगाएं, ऐसा मेरा सभी किसे निवेदन है, और इस निवेदन से हम लोगों की गति में और तीव्रता आएगी। और जिस तरीके से धरती को आज ज़रूरत है, हम सब धरती के लिए प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत हों इस सच्चाई के साथ में, पुनः बाबा जी के प्रति कृतज्ञ हूँ, और आप सभी के जिन जिन से भी मुझे प्रेरणा मिली है आज ये सौभाग्य मिला आपसे बातचीत करने का। और लास्ट में इनकी बात कहूँगा कि अपनी जिंदगी की जो पवित्रता है वही गति है, पवित्रता के बिना कोई गति नहीं है। पवित्रता प्रयोग के स्तर पर है, आप वहाँ से शुरू करिए, व्यवहार के स्तर पर है, आप वहाँ से शुरू करिए, आपके अंदर शोध की प्रक्रिया बहुत तीव्र है तो आप अनुभव की तरफ जाइए, लेकिन तीनों गतियाँ साथ साथ हैं, मनुष्य का जीना साथ साथ है, आचरण को ही दुनिया सुनती है, बिना आचरण के कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अंत में मैं एक संदेश और आपको देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों भारत सरकार के द्वारा पहले भी बहुत सारे पुरस्कार मिलते रहे, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं उभरती थी, लगता था कि दुनिया का एक तमाशा चल रहा है, उस तमाशे में कभी हम भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन
पद्म श्री पुरस्कार मिलने के बाद में और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की पीएचडी लेने के बाद में मुझे लगा कि अब ये चीज मेरी नहीं है, ये दुनिया की है, दुनिया के लिए है। पूज्य बाबा जी ने हम लोगों को जिस तरीके से पाला पोसा है वो हमारा जिंदगी का हर क्षण हर कण समाज के काम आए और हम खुल कर बोल सकें कि हम प्रमाण पूर्वक जीकर ही अपनी जिंदगी को इस धरती को अर्पित करेंगे। ऐसा कहते हुए मैं अपने सभी साथियों को पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। बेटा, ए बेटा, ये जो समय तो हो गया ना, दस के ऊपर, सवा दस का, साढ़े दस का, बाबू भी यही रहते हैं, थोड़ा खेत में भी करना। अच्छा, कभी कभी आएगी कि खेत में। क्या ऐसा कुछ मन था कि खेत में भी कुछ दिखाए, तो आप मुझे बता देना था पहले, ठीक है? तो खेत में दिखाने के लिए भी चले, थोड़ा सा दिखा दें तो क्या दिखा सकते हैं? जी, खत्म हो जाएगी उसकी। अच्छा, तो मैं ऐसा कहूँ कि खेत के लिए कभी और दूसरा कोई कार्यक्रम रखें, वीडियो बना के डाल देंगे। हम ऐसा सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास में जैसे समय के हिसाब से मैंने कुछ बात रखी है आपको, तो एक काम और हो सकता है कि इच्छा जाहिर की गई कि खेत को भी दिखाया जाए, तो मेरा मन है कि खेत के कुछ वीडियो अलग से हम डाल देंगे, या जो भी साथी चाहेंगे तो हिमांशु भाई से संपर्क में रहेंगे, मेरे से संपर्क में रहेंगे और हम पुनः उस बात का भी प्रयास करेंगे। और एक मैं छोटा सा, यदि आपकी अनुमति है तो मैं छोटा सा एक चित्र बना देता हूँ खेती को लेकर। खेती में हम क्या करते हैं, ये प्रक्रिया के लिए जरूरी है। मैं इसको प्रक्रिया के रूप में देखता हूँ, आप कैसे खेत में इसको लागू करेंगे। मान लिया आपके पास एक खेत है, आप इस खेत में आप फसलें लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से तय करेंगे, तो इसको तीन क्षेत्र में हम ले लेते हैं। पहला क्षेत्र है हमारा बफर जोन की आवश्यकता इसलिए है कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर कई बार ये डर रहता है कि बाहर से कोई भी चीज या जो जहर है या कोई भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे खेत में ना आए और उनका संक्रमण ना हो जाए, उनको रोकने के लिए बफर जोन की आवश्यकता है। तो हम लगभग 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर अंदर अपने खेत में एक मार्किंग कर लेते हैं, और इस ये 3 मीटर है, 3 मीटर के अंदर एक मार्किंग करते हैं और इस मार्किंग में हम कुछ पौधे लगाते हैं। जैसे आप इसमें सहजल लगा सकते हैं, मिलिया डूबिया लगा सकते हैं, आप इसमें केला लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, और इन्हीं के साथ साथ में आप सतावर लगा सकते हैं, इसी के साथ में आप सर्पगंधा लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, और इसी के साथ में आप पशुओं के लिए चारा भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कॉम्बिनेशन है जो कम से कम भी इन इस सारे कॉलम में से हम चार फसल बफर जोन में ले लेते हैं। जैसे केले लगाते हैं तो केले के लगभग 150 के लगभग पौधे, या बकान ये सहजन लगाते हैं, या नींबू लगाते हैं, ये जो भी पौधे हैं ये लगभग 2-2.5 मीटर पर लगते हैं और इस प्रकार से 150 पौधे के लगभग बन जाते हैं। ठीक हल्दी उनके नीचे आ जाती है, सतावर उनके साथ में इस जगह पर आ जाती है, सर्पगंधा भी यहाँ आ जाता है, चारा भी यहाँ आ जाता है। तो मोटे तौर पर हमने उत्पादन का आंकड़ा निकाला कि 1 एकड़ जमीन के बफर जोन से
आप आसानी से 1 से 1.5 लाख रुपए तक भी निकाल सकते हैं और 4-5 फसलों का उत्पादन आसानी से मिलता है। दूसरा, ये जमीन के लिए कल्चर की वृद्धि भी करता है, ये बाहर से आने वाले संक्रमण को भी रोकता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पर चूंकि यहाँ जुताई नहीं होती, तो यहाँ पर लंबे समय में जमीन अपने अंदर एक उर्वरता के नियम को समृद्ध करती है और वो उर्वरता बहती हुई अपने खेत को भी मिलती है और पड़ोसी के खेत को भी मिलती है। तो इससे केवल हम अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते, बल्कि हम जो खेती है उसके द्वारा पड़ोसी के खेत को भी समृद्ध करते हैं। हमारे खेत में जो केंचुए पैदा होते हैं, हमने देखा है कि 15-20 फुट तक केंचुए दूसरे खेतों में भी, जिनमें केंचुए रासायनिक खादों के कारण खत्म हो गए हैं, वहाँ भी केंचुए पैदा हो जाता है। तो एक क्रिया है कि हम पहले बफर जोन लगाना सीखें। इसके लिए हम कोई ना कोई प्रारूप तैयार करके आपको भेज सकते हैं। दूसरी क्रिया है कि हमारे खेत में जो फसलें लगेंगी वो दो प्रकार की होंगी, एक तो 1 वर्ष से अधिक की अवधि की और एक वर्ष से कम अवधि की फसलें। तो 1 वर्ष से अधिक अवधि की फसलों को हम दूसरे जोन में रखते हैं, इसका नाम है पेरेनियल जोन। अब ये जो जोन है ये किसान के ऊपर है कि किसान इसमें छोटे ट्रैक्टर का प्रयोग करता है, बड़े ट्रैक्टर का प्रयोग करता है, या बहुत थोड़ी जमीन है तो वो अपने हाथ से ही काम करता है, उन सबको लेकर वो पेरेनियल जोन की तैयारी करता है। ये पेरेनियल जोन कई बार ट्रैक्टर के आकार से ही बनता है, कई बार ये 5-5 फुट के हो जाते हैं, कई बार 5 फुट 10 फुट हो जाता है, कई बार 5 फुट से लेकर 12 फुट हो जाता है, 18 फुट भी हो सकता है। तो जैसे जिस तरीके से आप खेत में मशीन और उपकरण का प्रयोग करते हैं, ये पेरेनियल जोन का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इसके छोटे मोटे प्रारूप हैं सब्जी वाले किसानों के लिए, जो लोग सब्जी की खेती करना चाहते हैं, जड़ी बूटियों की खेती करना चाहते हैं, जो लोग अनाज दाल तेल करना चाहते हैं और या बागवानी की तरफ जाना चाहते हैं, टिम्बर प्लांट जाना चाहते हैं। तो ऐसे जो प्राथमिकता में कौन सी फसल को अपने खेत में लगाना चाहते हैं, वहाँ की भौगोलिक बनावट क्या है, उसके आधार पर पेरेनियल जोन को सेलेक्ट करना किसानों के लिए आसान है। और उसके लिए बहुत ही छोटी सी समझने की जरूरत यह है कि वो अपने क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक अवधि के होने वाले फसलों को पहचान लें। आम हो सकता है, केला, पपीता, नींबू, आड़ू, अमरूद और या भी कोई इमारती लकड़ी, इस तरीके से। तो एक क्षेत्र हम इसको लेते हैं। तीसरा क्षेत्र है कि जहाँ पर हम इसको बोलते हैं सीजनल जोन। ऐसी फसलें जो मौसम के अनुसार होती, तो इसको कैसे करते हैं। मान लिया पहले हमने कुछ मीटर छोड़ दिए, मान लिया हमारे पास जो बड़ा ट्रैक्टर है या छोटा है उसके अंदाजा लेकर हमने यहाँ पर 6 मीटर की जगह छोड़ दिया, और यहाँ पर फिर यदि हमको इसमें गन्ना और केला, पपीता या कुछ और भी चीज़ लगानी है तो उनकी दूरी को ध्यान में रखते हुए ये 3 मीटर भी हो सकता है या ये 4 मीटर भी हो सकता है। इस प्रकार से ये बफर जोन है एक नंबर, ये दो नंबर पेरेनियल जोन है और ये 3 नंबर। इस प्रकार से बफर जोन, पेरेनियल जोन, सीजनल जोन, इन सबको एक साथ लागू करने से खेत में जो उत्पादन का जो घनत्व है वो एक तरंग विधि से, आवर्ती विधि से बढ़ जाता है। इस क्रम में उत्पादन मात्रा में भी बढ़ता है, विविधता में बढ़ता है, गुणवत्ता में भी बढ़ता है, जिसकी आज देश और दुनिया को जरूरत है। और ये बहुत बड़ा विकल्प है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया को चलता है कि बढ़ती जनसंख्या का पेट कैसे भरा जाएगा, जैविक खेती में बहुत सारे मिथक आते हैं, तो अब किसी मिथक से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अनेक फसलों को साथ साथ लगाने से यहाँ एक बेहतर से बेहतर उत्पादन हम ले सकते हैं। इसमें मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि यदि आप इस तरीके से खेत का एक डिज़ाइन बनाकर खेती करने के लिए तैयार हुए, तो इसमें एक तो जमीन की उर्वरता के लिए कंपोस्ट खाद बनाने का काम आपका बंद हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का, जिस तरीके से आज ये बहुत सारे खाद बनाने के तरीके चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है।
प्रारंभिक स्थिति में आपको अपनी जमीन के कार्बन को, जमीन के पीएच वैल्यू को और जमीन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तीन पैरामीटर्स हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि मेरी जमीन किस स्थिति में है। यदि आपकी कार्बन, पीएच और ईसी, इसके आधार पर आप ये पता करेंगे कि अब इस कंडीशन में कौन सी फसलें लागू की जाए। जैसे यदि मान लिया पानी की अधिकता के कारण खेत खराब है, तो पानी को कम, कैसे कम पानी लगाकर हम कौन सी फसलें ले सकते हैं, ये आपके पास में इस सिस्टम में आ जाएगा। तो इसके लिए पूरी एक टेबल तैयार होती है कि इस टेबल में फसल प्रणाली में बफर जोन में क्या क्या लग सकता है, स्पेरेनियल में क्या क्या लग सकता है और सीजनल में क्या क्या लग सकता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टेबल से आपको ये पता लग जाएगा कि किस मौसम में, किस जोन में मुझे क्या फसल लगानी है। क्योंकि मेरे खेत में मैं पहले ही साल से रासायनिक खादों को पूरी तरीके से बंद करना चाहता हूं और यही इरादा भी इसमें होना चाहिए। ये मिली जुली खेती नहीं है, ये एकदम डाइवर्जन है। समझदारी में विकल्प जो है एक तरफा होता है, ऐसा नहीं होता कि थोड़ा गलती करते रहेंगे, थोड़ा ठीक करते रहेंगे। यहां पर जो भी करना है पहले समझना है, समझने के बाद में इसको लागू करना है। बाकी काम धरती की व्यवस्था है, धरती अपनी व्यवस्था में सारा काम करती है। इस कारण से क्या है, जो पौधे हैं, फसलें हैं, उनका बायोमास जमीन पर गिरता रहेगा, जमीन उसको पचाती रहती है, उसी से जमीन अपना भोजन बनाती है। और भोजन भी मल्टीपल पैटर्न में है, जैसे हमको बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए चाहिए, खेत को भी बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जमीन अपना पेट अपना खुद भरती है, उसकी उर्वरता का नियम उसी में है, हमें केवल वो व्यवस्था लागू करनी है और व्यवस्था में हमको अपनी उपयोगी उत्पादन की व्यवस्था बनाकर रखनी, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सौंप सकें। तो ये एक क्रिया हुई। दूसरी क्रिया इसमें यह है कि इसमें कोई भी कीड़े बीमारियों का प्रकोप नहीं आता। धीरे धीरे दूसरी वर्ष में ही खरपतवारें भी खत्म होने लगती है, खरपतवार खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो खरपतवारों को काम करना था वो काम फसलों के द्वारा होने लगता है। जो कीड़े बीमारियों को जो काम करना था नियंत्रण के लिए, वो अपने आप होने लगता है। तो इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से ये सोचने की जरूरत नहीं है कि खाद कहाँ से लाना है, दवाई कहाँ से लाना है, क्या करना है। वो केवल केवल एक काम करना है कि पूरी प्रकृति की पूरी व्यवस्था को समझकर और उसके लिए अपने अपने जोन में, जहाँ भी आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में काम करना चाहते हैं, उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम को, जिसको हम नैसर्गिक संतुलन बोलते हैं, उसको एक बार टेबल आउट करना पड़ेगा। आप उसको टेबल लगाएंगे कि हमारे यहाँ फलदार पौधे ये हैं, जंगल की इमारती लकड़ियाँ ये हैं, हमारे यहाँ अनाज इस प्रकार के हो सकते हैं, हमारे दाल इस तरीके की हैं, जड़ी बूटियाँ ये हैं, मसाले ये हैं। आप उन्हीं को टेबल आउट करते हैं, फिर दूसरा काम है उनके बीजों का संग्रह करना। उन बीजों को वो बीज आपको उपलब्ध होते हैं और बीज से बीज बनने की प्रक्रिया आप लागू करते हैं, क्योंकि बीज अनुसंधान जमीन के अंदर होता है और चयन विधि हमारे अंदर होती है। तो हम अच्छे बीजों को चेक करते हुए बार बार उनको दो तीन साल में अच्छे बीज को प्रमाणित करते ही रहते हैं। हमें तो केवल उनको साफ सफाई करते हुए उनका संरक्षण देना है और उन्हीं का सदुपयोग करना है। तो इस आधार से मैंने जो ये बात आपको रखी है, ये एक छोटी सी प्रक्रिया भी होगी और इस संदर्भ में कोई सूचना होगी तो हम आपके साथ में जब चाहेंगे तो बात करेंगे और मन करेंगे कि कभी सभी प्रबुद्ध जनों के साथ में बैठकर गंभीरता से इस मुद्दे पर चर्चा हो। उसके लिए बहुत एक अच्छे समय पर ये बात शुरुआत हुई। मैं फिर भाई राकेश गुप्ता जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने ये दूरसंचार क्रांति के द्वारा हम लोगों को आपस में बातचीत करने का मौका दिया और वास्तव में मैं उनके भोलेपन के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। और उन्होंने एक महान काम किया है कि बाबा जी के साथ बैठकर अपने भोलेपन से किस तरीके के सवालों को निकालना, क्योंकि बाबा जी के अंदर से जो बात निकलती थी वो सामने वाले की जिज्ञासा को देखकर निकलती थी। तो मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ, सभी को पुनः नमस्कार। नमस्कार।